हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी नई नई वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यू, मीन्स जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइडमपोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी और जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, इन सब मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है। तो इसके आइगन वैल्यू हम सीखेंगे भी और इसके बाद इसके ऊपर एक ग्राफ हम ड्रा करेंगे जिसको हम आइगन वैल्यू ग्राफ के नाम से जानेंगे। और किसी चीज़ को याद करने के लिए जब हम ग्राफ या पिक्चर को देखते हैं, पिक्चर को देखने के बाद हमारी जो मेमोरी पावर है उसको ज़्यादा गेन करती है और वो ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहती। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू ग्राफ याद कर लेंगे, मींस उसका पिक्चर बनाएंगे, उसको एक बार माइंड में सेट कर लेंगे, सारी की सारी आइगन वैल्यू हर एक मैट्रिक्स की हमें पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं किस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या क्या होती है, फिर हम आइगन वैल्यू ग्राफ ड्रा करेंगे। आइगन वैल्यू ग्राफ को हम पिक्चर बनाएंगे, मीन्स उस पिक्चर को अपने माइंड में सेट करके रख लेंगे और वो हमें हमेशा के लिए आइगन वैल्यू के लिए याद हो जाएगी। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स से कोई भी पर्सन किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछेगा, जस्ट तुरंत हम क्या कर देंगे, उसको बता देंगे। देखिए क्या है, आइगन जैसे मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले सबकी आइगन वैल्यू देख लीजिए क्या, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल आर रियल नंबर, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल आर रियल नंबर, सभी के सभी क्या होते हैं, मैट्रिक्स हमारी कोई भी हो बट वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसकी जो आइगन वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, हमेशा क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी। और यहाँ पे चलिए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बात कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए देखिए क्या है, थोड़ा सा बस चेंजिंग है, आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो देखिए क्या होती है, आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर जीरो, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, आइदर जीरो, या तो वो जीरो हो जाएगी या फिर आर आइदर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी, या तो वो कंप्लीट का कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट के साथ उसकी आइगन वैल्यू आएगी, प्योरली इमेजिनरी मींस उसकी जो आइगन वैल्यू आएगी या तो जीरो आएगी या तो आयोटा आएगी, टू आयोटा, थ्री आयोटा, मींस कंप्लीट का कंप्लीट उसके पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही होगा, अदरवाइज उसके पास आइगन वैल्यू जीरो होगी। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के होगी इसकी आइगन वैल्यू और इसकी जो आइगन वैल्यू होगी ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, अब हम किस पे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड है यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसे जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है जस्ट वही आइगन वैल्यू हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स की होती है। देखिए क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑल आर रियल नंबर, ये क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे
यहाँ पे आ जाइए क्या, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वर्क करता है, जस्ट वैसे ही इसकी जो है आइगन वैल्यू, सेम आइगन वैल्यू रखता है क्या, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर देखिए, आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है, वो जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसी की आइगन वैल्यू ये रखता है। मीन्स आइगन वैल्यू ऑफ आई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो, या तो वो जीरो होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी, या तो वो कंप्लीट की कंप्लीट इमेजिनरी होगी या फिर वो जीरो भी हो सकती है। जीरो के अलावा वो वन और टू थ्री फोर इस तरीके का नंबर नहीं हो सकता उसकी आइगन वैल्यू। तो देखिए, जो फोर्थ है, अब हम क्या डिस्कस कर देते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है क्या होती है, देखिए, आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ मॉडुलस वन। इसकी जो आइगन वैल्यू होती है, कुछ भी हो जाए बट उसका मॉडुलस किया जाएगा तो क्या आएगा, वन आएगा, आर ऑफ मॉडुलस वन। अब यहाँ पे सिमिलरली जो हमारी यहाँ पे ऑर्थोगोनल हो गई, जो हमारी आइगन वैल्यू होती है किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, वो क्या होती है, आर ऑफ मॉडुलस वन। सिमिलरली जो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, इसकी आइगन वैल्यू यही होती है। देखिए क्या है, फोर्थ या हो गया रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट, आइगन वैल्यू ऑफ एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल तो हो गया, क्या है आपकी बार, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, मॉडुलस वन होती है। आइगन वैल्यू ऑफ एन यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ मॉडुलस वन। अब यहाँ पे हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वोल्यूटरी, निलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो सिक्स्थ में अब जो है हम डिस्कस करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। जो हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है क्या होती है, आइगन वैल्यू ऑफ एन निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ एन निलपोटेंट मैट्रिक्स इज जीरो। इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो कुछ भी मैट्रिक्स हो जाए, अगर मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और हमारा ये सिक्स्थ रिजल्ट रहा। सेवन्थ रिजल्ट क्या है, मान लीजिए हमने इन्वोल्यूटरी पे डिस्कस कर लिया। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी मीन्स वन है, वन का स्क्वायर कर दीजिए ए माइनस आइडेंटिटी, और ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी या फिर माइनस आइडेंटिटी मीन्स या फिर इसकी वैल्यू वन आएगी या फिर माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए, जो सिक्स्थ रिजल्ट है हमारा क्या कहता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होती है उसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, और हमारी जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू माइनस वन और वन हो सकती है। सेवन्थ रिजल्ट देखिए क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ एन कौन सी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी, ऑफ एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज वन एंड माइनस वन, वन और माइनस वन हो सकती है। और जो हमारी आइडेम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी तो हो गया, अब यहाँ पे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मीन्स
उस मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिए और वो खुद आ जाए। यहाँ पे देखिए एट्थ रिजल्ट, आइगन वैल्यू ऑफ एन किसकी इन्वोल्यूटरी हो गया, अब आइडमपोटेंट, आइडमपोटेंट, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ए कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा, ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, इसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी, इज जीरो एंड वन, इसकी वैल्यू जीरो और वन हो सकती है, जो इसकी आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगी, जीरो होगी और वन होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोज कीजिए और माइनस ए आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई बात हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स मीन्स ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए, और जहाँ पे ए की पावर थीटा है क्या है, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, या फिर ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो ए की पावर थीटा लिखा जाएगा, मीन्स ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ एस क्यू हर्मिशियन, जस्ट इसी का रिवर्स, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस, माइनस के साथ हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ए इंटू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए की पावर थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है, ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू जीरो, के क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट पावर है, जिसको करने से मैट्रिक्स की पावर वो छोटी से छोटी कीजिए जिसकी पावर करने से मैट्रिक्स हमारा जीरो हो जाए, उसको हम, उस पावर को हम इंडेक्स बोलते हैं, और इस तरीके की अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, और इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए का स्क्वायर कीजिए आप, खुद वो मैट्रिक्स ही आ जाए। इस तरीके की कोई मैट्रिक्स होगी तो वो क्या कहलाएगी, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। अब चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद आइगन वैल्यू चार्ट, अब इसको दिखाते हैं आपको, आइगन वैल्यू चार्ट देखिए क्या है, आइगन वैल्यू चार्ट ये इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट, और इसी के ऊपर, इसी को देखते हुए हमने क्या बनाया है, आइगन वैल्यू चार्ट बोलिए, आइगन वैल्यू ग्राफ बोल दीजिए, और इसको हम अपने माइंड में सेट करके रख लेंगे। देखिए क्या है, आइगन वैल्यू ग्राफ, वहाँ पे सब की सब आइगन वैल्यू क्या कर देंगे, डिस्क्राइब किए रहेंगे, किसकी क्या होती है, यहाँ से याद रख लेंगे क्या किसकी होती है, वहाँ पे क्या कर देंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रा कर देंगे। देखिए क्या होती है आइगन वैल्यू ग्राफ, आइगन वैल्यू ग्राफ, देखिए क्या है आइगन वैल्यू ग्राफ। आइगन वैल्यू ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ये क्या हो गया हमारा सर्कल, ये हमारा क्या हो गया सर्कल, सही है सर्कल। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे रियल एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करेंगे,
देखिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा, बस ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें पता है जो आइगन वैल्यू होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, या ये हमारी क्या है, रियल एक्सिस है। ये क्या है, हमारी रियल एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक, इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम पहले से जानते हैं। रियल एक्सिस हमें पता होती है, इमेजिनरी एक्सिस पता होती है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए क्या है, हमने एक सर्कल लिया है और इसी के ऊपर ग्राफ पे ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है क्या होती है, आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल नंबर। तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो रियल एक्सिस पे ही होगी, मीन्स ये कंप्लीट का कंप्लीट रियल एक्सिस जो है वो उस पर क्या होगी, आइगन वैल्यू किसकी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें पता है हर्मिशियन मैट्रिक्स भी, आइगन वैल्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी की भी क्या होती है, ऑल आर रियल नंबर। रियल नंबर है तो रियल एक्सिस पे ही होगी उसकी आइगन वैल्यू, मीन्स यहाँ पे, यहाँ पे भी हो सकती है उसकी वैल्यू, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मीन्स पूरी पूरी रियल एक्सिस पे उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और जो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी भी रियल आइगन वैल्यू होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स मीन्स जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है रियल होती है, मीन्स वो कहाँ लाई करेगी, रियल एक्सिस पे लाई करेगी। अब यहाँ पे जो है हमें क्या पता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और हर्मिशियन, यहाँ पे क्या पता है हमें, हर्मिशियन में स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें पता है आइगन वैल्यू जो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, या तो जीरो होते हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी होती है, मीन्स जीरो यहाँ पे लाई कर जाएगा, मीन्स एक्स एक्सिस पे जीरो होगी, या फिर कंप्लीट की कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट रखेगी, मीन्स ये जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारी सभी की सभी जो वैल्यू आएंगी किसकी आएंगी, या तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हो सकती है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू जीरो या तो हो सकती है, या तो कंप्लीट की कंप्लीट इमेजिनरी हो सकती है। तो यहाँ पे कंप्लीट का कंप्लीट इमेजिनरी कहाँ पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। अब यहाँ पे हमने डिस्कस ये किया है निलपोटेंट मैट्रिक्स। जो हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ पे क्या है हमारा, जीरो है। यहाँ पे हमारा क्या है, जीरो है। यहाँ पे हमारा क्या है, इस पॉइंट पे वन है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का वन है। यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस का वन, यहाँ पे क्या है, माइनस का आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या है, प्लस का आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है यहाँ पे, माइनस का आइडेंटिटी है। ये हमारा माइनस वन है, ये हमारा वन है, जो उसका सेंटर है किस पॉइंट पे, सर्कल का ड्रा किया गया है एट पॉइंट जीरो पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस आइडेंटिटी, माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या है, प्लस का आयोटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का आयोटा, यहाँ पे माइनस का आयोटा, यहाँ पे ऐसे ही ड्रा होता है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें किस मैट्रिक्स को, ये हमारी क्या है, जीरो, जीरो किस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन के तैयार हो गई, जीरो इसकी आइगन वैल्यू है, इसके अलावा कोई आइगन वैल्यू नहीं है, ये क्या है हमारी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, देखिए क्या है,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और इनवोल्यूट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और जो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, मींस इसकी जो आइगन वैल्यू होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मींस ये क्या होता है, ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे लिखते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और यूनिटरी मैट्रिक्स ए ए रेस टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए की पावर थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसकी जो आइगन वैल्यू होती है क्या होती है, आर ऑफ मॉडुलस वन। यहाँ पे आप माइनस वन लेते हो उसका मॉड कीजिए वन आएगा, यहाँ पे वन लेते हो इसका मॉड करोगे कितना आ जाएगा वन आएगा। माइनस आइडेंटिटी ले माइनस आयोटा लेते हो इसका जो मॉडुलस होगा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का आयोटा लेते हो इसका जो मॉडुलस है कितना आ जाएगा वन आएगा। यहाँ पे वन का मॉडुलस वन, माइनस वन का मॉडुलस वन, माइनस आयोटा का मॉडुलस वन, प्लस आयोटा का मॉडुलस वन। इसका मतलब ये जो है सर्किल के ऊपर लाई करता है, हाँ करता है। इसका मतलब जो सर्किल की बाउंड्री होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी किस किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और किस मैट्रिक्स को, एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को और यूनिटरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी इसकी आइगन वैल्यू। और किस कौन कौन सी मैट्रिक्स हमारी बच गई है, आइडेम्पोटेंट और इनवोल्यूटरी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो या तो वन, यहाँ पे जीरो और वन है। आइडेम्पोटेंट इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, या तो जीरो या तो वन। मींस ए का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ए एक कॉमन ले लेंगे ए माइनस वन, इसको इस साइड इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू जीरो या तो वन। इसकी जो आइगन वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, या तो जीरो या तो वन। अब यहाँ पे ये कौन सी मैट्रिक्स लिखी जाएगी, आइडेम्पो टेंट। आइडेम्पो टेंट मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, हमारी आइडेम्पो टेंट मैट्रिक्स है। और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है क्या होती है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस आइडेंटिटी, मीन्स वन और माइनस वन जो होती है वो किसकी आइगन वैल्यू होती है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की। यहाँ पे देखिए माइनस वन इसकी आइगन वैल्यू और वन, ये जो दो आइगन वैल्यू है किसकी किसकी होती है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे ये किसकी आइगन वैल्यू है, इनवो ल्यूट्री मैट्रिक्स, इनवो ल्यूट्री मैट्रिक्स। जो हमारे इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स होती है इसकी जो आइगन वैल्यू होती है, इनवोल्यूट्री इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स इसकी जो आइगन वैल्यू होती है या तो माइनस वन या तो वन होगी। और जो हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी। जो हमारे निलपोटेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे फिर से समझा देते हैं क्या है ग्राफ में, ये हमारा चार्ट हो गया आइगन वैल्यू ग्राफ या फिर आइगन वैल्यू चार्ट, कुछ भी बोल दीजिए। बट यहाँ पे हम जो याद रखने वाले हैं किस नाम से याद रखेंगे, आइगन वैल्यू ग्राफ के नाम से। यहाँ पे आइगन वैल्यू ठीक है, अब इसको हमने मान लीजिए ग्राफ पेपर पर ड्रा कर लिया। ग्राफ पेपर पर ड्रा करने के बाद उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है। इस टाइप से होने के बाद अब यहाँ पे क्या है, हर एक की आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे रियल एक्सिस है, ये हमारी क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। और हमें पता है आइगन वैल्यू जो रियल मैट्रिक्स मींस या फिर बोल दीजिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑल आर रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ लाई करते हैं, रियल एक्सिस पे लाई करते हैं। और जो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है क्या होती है, रियल नंबर होती है। सिमिलरली जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, किस
किस एक्सिस पे लाई करेगी, रियल एक्सिस पे लाई करेगी। और हमें पता है जो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है या तो वो जीरो होती है या तो कंप्लीट की कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट होता है। और सिमिलरली इसक्यू हर्मिशियन में भी ऐसा ही है, इसका मतलब जो कंप्लीट की कंप्लीट इमेजिनरी एक्सिस है वो उस पर कौन कौन सी मैट्रिक्स लाई करेगी, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इस पर लाई करेगी। और जो हमारा यहाँ पे प्लस आयोटा है और माइनस आयोटा है, वन है और माइनस वन है, इसका आप माड करोगे, माड करने के बाद कितना आ जाएगा, वन आएगा। और हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स इसकी जो आइगन वैल्यू होती है क्या होती है, आर ऑफ मॉडुलस वन, इसका मॉड कीजिए और वन आना चाहिए। इसका मतलब ये इसकी जो बाउंड्री है सर्किल की वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि यहाँ पे माइनस वन वन आयोटा और माइनस आयोटा कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल के बाउंड्री पे, इसका मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे जो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू जीरो और वन होती है, और माइनस वन और वन यहाँ से क्या है, किसकी आइगन वैल्यू है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की। और जो हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है इसकी जो आइगन वैल्यू होती है कितनी होती है, जीरो होती है। ये हमारा हो गया किसका, आइगन वैल्यू ग्राफ, ये हमारा आइगन वैल्यू ग्राफ है। इसको हम अपने माइंड में पिक्चर इसका सेट कर लेंगे और अच्छे से इसको दो तीन बार देखेंगे, अच्छे से हमें सारी की सारी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता चल जाएगी और याद भी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड।